तो चलिए आराम से बैठ जाइए, रीढ़ और गर्दन सीधी रखिए। अब हम सांस का प्रयोग शुरू करेंगे। संगीत बजते ही बीच बीच में संगीत रुकेगा, उस समय आप भी कुंभक लगा लेंगे, सांस रोक लेंगे और देखेंगे सांस रुकते ही विचार भी थम जाते हैं। शुरू करें। संगीत की रिदम में सांस छोड़ें। सांस छोड़े। भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। पेट पर सांस की चोट लग रही है, नाभि का उठना गिरना गौर से देखें। स्टॉप। सांस रुक गई, विचार भी थम गए, होश की मात्रा बढ़ गई। दूसरा राउंड। देश न जाने भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। पत्थर की मूर्ति जैसा बैठा है शरीर। तीसरा राउंड। देश न जाने भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। बुद्ध की देशना यानी सुपर कॉन्शसनेस, जागरूकता। जोर से सांस छोड़ें, नाभि पर झटके को महसूस करें। देश न जाने भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। रुक जाए, शुरू, पूरी ताकत लगा दे। दूर से ऐसे देखें अपने शरीर को सांस लेते हुए, जैसे किसी और को जान रहे हैं। आंखें बंद। बुद्धि की शुद्ध है। स्टॉप। वॉच योर सेल्फ फ्रॉम ए डिस्टेंस। यू आर ए वॉचर, ए विटनेस टू योर सेल्फ। शुरू। आती जाती सांस को देखें। देश न जाने भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध है। स्टॉप। शुरू। ओ बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध है, ओ बुद्ध है, बुद्ध है।
आकाश में उड़ान भरने को तैयार। भेस न जाने देश न बुद्धि की शुद्ध, पिंजड़े के बाहर हो रहा है पंछी। सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंच गई, सातवीं मंजिल पर। अब दूसरा चरण, छूटती सांस में भ्रामरी प्राणायाम। जब सांस भीतर जाए धीरे धीरे, उस समय गौर से सुनना, आराम से सांस लेना, आराम से सांस छोड़ना। धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के पास से ऊपर की तरफ उठाएं, बहुत धीमी गति। भाव करें हम पिंजड़े के बाहर, फिल्टर के ऊपर गति कर रहे हैं। हमिंग करते जाएं, भौंरे जैसी आवाज। आपकी हथेलियां पूरी ऊपर पहुंच जाएं, तो फिर बहुत धीमी गति से नीचे लाना शुरू करें। भ्रामरी प्राणायाम करते जाएं और महसूस करें ब्रह्मांड से, आकाश से ऊर्जा अवतरित हो रही है, हमारे सहस्त्रार तक आ रही है। बहुत धीमी धीमी गति हथेलियों की। जब आपकी हथेलियां कान तक पहुंच जाएं, कुछ सेकंड वहां रुकना, फिर धीरे धीरे ऊपर ले चलना। बीच का जो फिल्टर था वो डिसॉल्व हो रहा है, बाहर और भीतर का जोड़ निर्मित हो रहा है। ऊपर और नीचे अलग अलग नहीं रहे, अहम और ब्रह्म का भेद विलीन होने लगा। हाथों की गति ऐसे ही धीमे धीमे करते जाना, हमिंग साउंड धीमी धीमी आवाज में। अपनी हथेलियों के प्रति खूब सचेत, बी सुपर सेंसिटिव टू योर पाम्स हैंड्स, मूविंग स्लोली जेंटली। जैसे नाक के द्वारा हमारे भीतर फेफड़ों की हवा और बाहर का विराट वायुमंडल जुड़ा हुआ है, क्षण क्षण वायुमंडल ही भीतर आ रहा जा रहा, ऐसा ही भाव करें ऊपर आकाश से। विराट चैतन्य समष्टिगत चैतन्य हमारे व्यक्तिगत चैतन्य से जुड़ा हुआ है। द वाइब्रेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस आर फ्लोइंग इन बोथ द डायरेक्शन, जस्ट लाइक इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, वी आर टेकिंग एंड गिविंग कॉन्शियसनेस।
फ्रॉम सहस्त्रार चक्र। द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट सेपरेट। अब अपने हाथों को नीचे कर लें, कानों में ईयर प्लग लगा लें, आंखों में पट्टी बांध लें। अगर आपको बैठे रहने में आराम है तो बैठे रहें, लेटने का भाव हो लेट जाएं। शरीर एकदम सुविधापूर्ण हो, कहीं कोई तनाव ना हो। हल्की हल्की घंटियां बजती रहेंगी, अपने आप ध्वनि सुनाई पड़ रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना सांस पर नियंत्रण, ना शरीर पर कोई नियंत्रण, ना मन पर नियंत्रण। नो कंट्रोल, नो कंसंट्रेशन, डीप रिलैक्सेशन एंड ग्रेट अवेयरनेस इज हैपनिंग। समथिंग फ्रॉम द अबव इज डिसेंडिंग। जस्ट रिलैक्स। द मोर यू रिलैक्स, मोर अवेयरनेस कैन फ्लो इन। जितने शिथिल, शांत, विश्रामपूर्ण, उतनी ही महाचेतना अवतरित हो सकती है। हमारा सोच विचार, हमारा होना ही रुकावट है। मादक द्रव्यों के प्रभाव से सोच विचार खत्म हो जाता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में वही घटना घटती है। सावंत सिंड्रोम में ठीक ऐसा ही कुछ छोटे रूप में होता है। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। Allow the God consciousness to take over you. सब तरफ से, रोम रोम से महाचेतना प्रवेश कर रही है। ये शरीर एक ट्रांसपेरेंट कांच की मूर्ति जैसा हो गया। Cosmic consciousness is entering in from everywhere. ये घंटियों की गूंज सुनते जाएं, थोड़ी ही देर में ये बंद हो जाएंगी और तब भीतर परमात्मा की गूंज अनहदनाथ सुनाई देने लगेगा। सुने, गौर से सुने। हमारा शरीर भी मंदिर है, सहस्त्रार उसकी गुंबद है और उस गुंबद के नीचे भी घंटा बज रहा है। पूरा मंदिर गूंज रहा है। सुने गौर से। अब मैं भी मौन हो जाता हूं 5 मिनट के लिए। आप भी खो जाएं। आपका खो जाना परमात्मा का हो जाना है।